नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। जंगलों में लगी आग के लिए समय रहते नहीं कर पाई सरकार कोई व्यवस्था। प्रदेश सरकार पर पूर्व वन मंत्री रूप सिंह ने लगाए आरोप। जंगलों में लगी आग के लिए बारिश हुई वरदान साबित, साथ ही डलहौजी का मौसम बना सुहावना। नगर परिषद मंडी ने वार्ड नंबर 4 में की साफ सफाई। स्वच्छ भारत मिशन और मेरी लाडली अभियान के तहत लोगों को किया जागरूक। और कुल्लू में मेरी शोभना वीडियो एल्बम का हुआ भी मोचन। कुल्लू संस्कृति को दिया गायक नरेंद्र ठाकुर ने बढ़ावा। सुंदरनगर में पत्रकार वार्ता में भाजपा के पूर्व वन मंत्री एवं वरिष्ठ नेता ठाकुर रूप सिंह ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश का प्रशासन चरमरा गया है और विकास कार्य भी ठप पड़े हुए हैं। पूर्व वन मंत्री और भाजपा वरिष्ठ नेता ठाकुर रूप सिंह ने कहा कि हालात लोगों के सामने हैं। जंगलों में लगी भीषण आग की बात करें तो सरकार को कोई चिंता ही नहीं है। जो व्यवस्था की जानी चाहिए थी सरकार नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि पानी की व्यवस्था सरकार को समय रहते करनी चाहिए थी, पर सरकार नहीं कर पाई और सरकार इन सभी मुद्दों पर फेल हुई है। इसके लिए सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। आज की तारीख में प्रदेश सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। सारे प्रशासन बिल्कुल चरमरा गया है। विकास के साथ सारे काम बंद हैं। और आज अगर हम हालत देखें, फॉरेस्ट फायर के बारे में अगर मैं कहूं, तो सरकार ने बिल्कुल भी चिंता नहीं की है और इसके लिए जो व्यवस्थाएं, जो इंतजाम करने चाहिए थे, वो व्यवस्थाएं और इंतजाम नहीं किया। पानी की अगर मैं बात कहूं, आज पूरे प्रदेश में पानी की व्यवस्था सरकार को समय रहते कर देनी चाहिए थी, लेकिन बिल्कुल व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए सरकार इन मुद्दों पर बुरी तरह से फेल हुई है और इसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से बारिश ना होने से गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था, लेकिन गर्मी के साथ साथ पिछले कुछ दिनों से डलहौजी सहित जिला चंबा के जंगलों में लगी आग ने मुश्किलें और बढ़ा दी थी। लेकिन डलहौजी में सुबह से ही बारिश हुई, जिसमें तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। साथ ही पिछले कई दिनों से लगी जंगलों में आग पर भी काबू पाने की कोशिश बारिश से हुई। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो डलहौजी सहित चंबा के जंगल दूर दूर हैं और काफ़ी मात्रा में, जहां अग्निशमन विभाग की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती थी, और ऐसे में जंगलों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि कई जंगलों में पेड़ जलकर खाक हो गए हैं और कई जीव जंतु और बेशकीमती वन संपदा भी आग की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन डलहौजी में हुई बारिश के चलते जंगलों में लगी आग पर कुछ कुदरत ने काबू किया है। आसमान से बरसी बारिश ने जंगलों में लगी आग को बुझाने का काम किया है और इसके चलते जंगलों में अब नुकसान कम होगा और जीव जंतु भी नहीं मरेंगे। वहीं दूसरी तरफ डलहौजी के लोगों का कहना है कि उन्हें काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि आज सुबह
जमकर बारिश होने से डलहौजी के साथ चंबा जिला के कई जंगलों में लगी आग पर काबू पाया गया है। आग से जंगल को काफ़ी नुकसान हुआ है, कई जीव जंतु मर गए और कई पेड़ आग की भेंट चढ़ गए। फिलहाल बारिश के चलते इन जंगलों में लगी आग पर काबू पाया गया है और लोग काफ़ी खुश हैं। सर हम खुश हैं आज क्योंकि सुबह से बारिश हुई है और जिसे हमारे जंगल बच चुके हैं। कई दिनों से आग लगी हुई थी जंगलों में और जहाँ पे चंबा जिले में गाड़ी नहीं पहुँच रही थी जंगलों में और उससे जीव जंतु जल रहे थे आग की वजह से। और आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि जीव जंतु भी बच चुके और हम भी खुश हैं, हमारे जंगल बच चुका है। सर हमें बहुत बड़ी खुशी हुई, बारिश हुई, कई जंगलों में आग पड़ी थी, वहाँ पर गाड़ी नहीं जाती, न पानी पहुँच सकता है। अब बरखे से वो आग बुझ गई और हमें बरखा की बहुत खुशी हुई है। हाँ जी, इस बारिश से जो है सर जगह जगह पे आग लगी हुई थी, जो ये इस बारिश से जो है बुझ गई वो आग भी। कई जगह पे जो है सर गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है दमकल की और ये आग जो है बुझ गई है जंगलों में बारिश से। बारिश के चलते डलहौजी के लोग काफी खुश दिखे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जंगलों में बारिश से राहत मिली है क्योंकि पिछले कई दिनों से डलहौजी के साथ चंबा के जंगलों में आग ने अपना तांडव मचा के रखा था। फिलहाल बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। डलहौजी से के चैनल के लिए बॉबी सिंह की रिपोर्ट। मैदानी इलाकों में जहां गर्मी चरम पर पहुंचने लगी है, वहीं पर्यटन नगरी डलहौजी सहित पूरे जिला चंबा में मौसम बेहद ठंडा हो गया है। पूरे जिला में हल्की बारिश हुई और तेज हवाएं चली। वहीं पर्यटन नगरी डलहौजी में सैलानियों ने बारिश का खूब आनंद लिया। मंगलवार रात को शुरू हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं का क्रम बुधवार शाम तक चलता रहा, जिससे मौसम कूल हो गया। अचानक ठंडी हवाओं और बादल छाने से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। सैलानी सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में तापमान में आए उछाल से लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा था। सोमवार तक दिन के समय पारा 28 डिग्री तक चल रहा था, जो लुढ़ककर सीधा 15 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं ऊपरी इलाकों में तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुँच गया है और बदले मौसम के कारण लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़े पहनने को मजबूर होना पड़ रहा है। डलहौजी घूमने आए पर्यटकों ने कहा कि मैदानी इलाकों में बहुत गर्मी पड़ रही है, किंतु डलहौजी में मौसम बहुत ठंडा है और इस ठंड में बहुत मज़ा आ रहा है। सबको डलहौजी घूमने जरूर आना चाहिए। मेरा नाम कुणाल जोशी है, मैं गुजरात से आया हुआ हूँ और वहाँ आज का ये मौसम देख के हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है। हमारे वहाँ तो मतलब अभी 44 प्लस गर्मी पड़ रही है और आप यहाँ का माहौल देखेंगे तो 7-8 डिग्री तक टेम्परेचर है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि एटलीस्ट समर में तो यहाँ पे आना ही चाहिए। दीपा पालन, मैं अहमदाबाद से आई हूँ और यहाँ का वेदर आज अचानक से चेंज हो गया है और यहाँ पे काफ़ी ठंडी है और अभी हमारे अहमदाबाद में करीब 45-46 डिग्री गर्मी है। तो वी आर एंजॉइंग हियर एंड आई रिक्वेस्ट कि आप सब यहाँ पे डलहौजी में आ सकते हैं और यहाँ का वेदर काफ़ी इंजॉयबल है। मेरा नाम कनिल है, मैं वडोदरा से हूँ। आज यहाँ पे बहुत मज़ा आया, हम लोग ट्रैकिंग करने आए और इतनी ठंडी है, बारिश भी हो गई और करे भी गिर गए और बहुत मज़ा आया ट्रैकिंग में। डलहौजी बहुत अच्छी प्लेस है, सो प्लीज़ कम एंड विजिट। डॉक्टर रश्मि फ्रॉम मैसूर, कर्नाटका। मैसूर में 40 डिग्री तक टेम्परेचर है आज का। दिस ईयर इट वॉज वेरी हॉट एट मैसूर। वी केम टू डलहौजी विथ यूथ हॉस्टल फॉर नेचर स्टडी कैंप फॉर चिल्ड्रन and we are enjoying the chill, so the chilling Dalhousie. And on the day we came here it was very hot actually here also, but suddenly today weather has changed and really it is too cold, but we are enjoying a lot. It's really very very nice place Dalhousie. ठंड के कारण बाजारों में रौनक कम रही। पर्यटक होटलों और स्थानीय लोग घरों में ही दुबके रहे। इक्का दुक्का लोग ही बाजारों में दिखे। लिहाजा डलहौजी में सैलानी सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं।
के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चौंतीसवां विशाल भगवती जागरण दिनांक 14 मई 2016 शनिवार सायं 7 बजे विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंडी की सर्व साधारण जनता के सहयोग से बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। विशेष आकर्षण रहेंगे महामाई जी का गोल्डन भवन, 11 मूर्तियों वाला और सुंदर सुंदर झांकियां देखने योग्य होंगी। शहरवासियों को सूचित किया जाता है कि महामाई जी की पावन ज्योति ज्वाला जी से लाई जा रही है। भंडारा रविवार 5 मई 2016 दोपहर 12 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। भंडारे व जागरण में तन मन धन से सहयोग देकर पुण्य के भागी बने और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर JEE, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, AIPMT, NDA एंड PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। PET हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फीस। बैच स्टार्ट्स फॉर HP पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2016। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पडल मंडी। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2016-17। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहाटा बाजार टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैश। सचदेवा कॉलेज पडल नियर पुलिस थाना मंडी। घोषित पीओ को PSL मंडी की टीम ने चंबा से गिरफ्तार किया। PSL की टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि यह व्यक्ति वर्ष 2012 में दो मामलों के साथ साथ एक अन्य मामले में पीओ घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ तीनों मामले सरका घाट में दर्ज करवाए गए थे, लेकिन आरोपी तीनों ही मामलों में अदालत में पेश नहीं हुआ था। आज PSL मंडी को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिस पे PSL एक महीने से इसकी तलाश में था और ये राख चंबा का रहने वाला है। इसने सरका घाट के एरिया में हमारे पास 3 केसों में ये वांटेड है और उनमें PO घोषित किया है कोर्ट ने इसे। तो तकरीबन 20 दिन के बाद आज हमने इसको इसके घर चंबा अपने क्वार्टर से कल शाम को हमने इसको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद इसकी सूचना अपने SP साहब को दी और थाना सरका घाट में दी। अभी थाना सरका घाट से IO आएगा और इसको कोर्ट में पेश करवाएगा। ये हमारी इसकी परंपरा है। और नेक्स्ट जो इसके केस थे, इसके खिलाफ 2012 में मामला 420 का थाना सरका घाट में हुआ था, उसके बाद कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ और ये पुलिस का भगौड़ा था, पुलिस में भी 30 में शामिल नहीं हुआ 2012 के बाद। उसके बाद इसके ऊपर कोर्ट ने 174 ए की कार्रवाई की, जो कि कोर्ट की अवहेलना इसने की, कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। नेक्स्ट इसका केस NI एक्ट का था, वो भी 2012 का था, इस मामले में भी ये अदालत में पेश नहीं हुआ। तो इन 3 केसों में ये सरका घाट में वांटेड था। पंजाब इसको हमने नूरपुर, पंजाब, पठानकोट, तो सब जगह तलाश किया, मुकेरियाँ में भी, वहाँ इसका लेन देन लोगों को बहुत ज़्यादा है। उसका मामला ये देखेगा जैसे भी है, लेकिन लगता ये है कि वांटेड और जगह भी है ये। तो आज मंडी पुलिस PSL ने इसे अरेस्ट किया है, हमारी एक बड़ी कामयाबी है। इसके लिए मैं अपने SP साहब का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये टीम गठित की है। हमने पूरा मेहनत से इसको आज अरेस्ट करके मंडी लाए हैं और अभी इसको IO सरगाड के वाले करेंगे। नगर परिषद मंडी द्वारा चलाए गए विशेष सफाई अभियान के तहत वार्ड नंबर 4 की साफ सफाई की गई। इस मौके पर जहां वार्ड की गलियों और झाड़ियों की छंटाई की गई, वहीं मेरी लाडली अभियान के बारे में लोगों को जानकारी भी प्रदान की गई। नगर परिषद मंडी के अधिकारियों ने बताया कि अगर कोई भी नाले में कूड़ा फेंकता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वार्ड नंबर 4 में सफाई अभियान शुरू किया हमने नगर
परिषद ने, तो इसका मकसद एक ही है कि लोगों को अवेयर करना है और जो जो भी इनके वार्ड में जाते हैं, जो जो प्रॉब्लम होती हैं उनको भी देखते हैं और जो सीवरेज की व्यवस्था देखनी होती है वो भी देखते हैं और जो सफाई करने लायक होती है वो भी करते हैं, नालियों को ठीक करना है और लोगों को अवेयर करना है। अगर हर एक घर से एक एक बच्चा भी अवेयर हो जाता है तो सफाई की मतलब गंदगी कोई खो नहीं रहेगी। तो इसीलिए हम सारे इकट्ठा होके जा रहे हैं, सभी वार्ड में जा रहे हैं, सफाई अभियान शुरू किया और मेरी लाडली का अभियान भी साथ में शुरू हुआ और जैसे ही जहाँ कचरा पड़ता है वहाँ CCTV कैमरा का प्रावधान करेंगे। अगर जो भी कूड़ा कचरा उसमें आया उसको जुर्माना कर देंगे या जो भी कर सकते हैं उनके प्रति एक्शन ले सकते हैं। आपने मेरी लाडली का जिक्र किया अभी आपने, उस विषय में क्या कर रहे हैं आप? जिसकी भी लड़की होती है, लड़की भी तो लड़कों के आगे ही चलती है, ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा अच्छी होती है। तो उसके लिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि लड़कियों को ऐसा मत समझिए कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो हर जगह हर फील्ड में नंबर वन ही रहती हैं। मेरी लाडली जो प्रोग्राम शुरू किया गया है सरकार द्वारा और हमारे जिलाधीश महोदय द्वारा, उसके अंतर्गत हम जहाँ जहाँ पर भी बेटी पैदा होती है उसके आगमन पर हम खुशियाँ मनाते हैं और जाके बेटी को, बेटी के होने पर उनके परिवार वालों को, मोहल्ले वालों को, समाज वालों को प्रमोट करते हैं, क्योंकि बच्ची के आने से कोई वो नहीं हो जाता है कि भाई आप लोग जो बच्ची आ गई तो गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ों को लोगों को इन रूढ़िवादियों से बचाने के लिए लोगों को आगाह करते हैं और बेटी के जन्म की खुशियाँ इसके मना के ये करते हैं कि बेटी जो आपकी अनमोल है और भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छा करेगी। बेटियाँ जो हैं अब अलग नहीं हैं, लड़कों से बढ़कर हैं। इस कड़ी को हम जो है जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जहाँ पर बेटियाँ का जन्म हो रहा है वहाँ पर हम बेटियों को बधाई देने जाते हैं, उनके परिवार वाले लोगों को। तो इसी के साथ साथ हम लोग जो है शहर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सफाई व्यवस्था को बनाए रखे हुए हैं और लगातार हमारी जो नई परिषद आई है उसका निर्णय यही था कि शहर में हमारी हर एक नाला, गली, बौड़ियाँ, टंकियाँ, पानी की सब साफ़ हों और वो हम जो है रूटीन में डेली 2 बजे अपनी लेबर को लेके अपने आप खुद स्वयं आके लोगों को साथ में ले चल के वार्डों में जाकर सफाई कर रहे हैं। वार्ड वाइज सफाई करते हैं और लोगों से आगाह करते हैं कि जहाँ गंदगी है वो किसके द्वारा डालेंगे, हम लोगों के द्वारा डालेंगे, इससे बचें, इसको रोकें। जिस किसी को दिखाई देती है नाले गंदे करते हैं उसको टोकें और हम तक बात पहुंचाएं ताकि हम लोग भी उनको समझा सकें ताकि भविष्य में ये कार्यवाही ना हो। और हम चाहते हैं कि हमारा शहर, आंगन, गली, मोहल्ला सब कुछ साफ़ सुथरा हो, लेकिन ये प्रयास तभी हो सकता है जब तक लोग हमारे साथ मिल के नहीं चलेंगे। इनकी सहभागिता हमारे लिए सबसे नंबर वन पर है। अगर ये चलेंगे तो हम अवश्य जो है सफल होंगे और भविष्य में भी मैं यही सोचती हूँ कि हम लोग स्वच्छ भारत मिशन को यूँ ही आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी फिर से वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए के चैनल के साथ। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहां आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। वर्कर्स यूनियन की तरफ से कुल्लू में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिला भर के 108 और 102 के कर्मचारियों ने अपना रोष प्रकट किया और कुल्लू उपायुक्त हंसराज चौहान के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक मांग पत्र भी भेजा। कंपनी के नुमाइंदों का कहना है कि उन्हें ड्यूटी से ज्यादा कई घंटे काम करना पड़ता है, जिसका उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता है और छुट्टियों का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जब वे इस बात का विरोध करते हैं तो कंपनी या तो उन्हें टर्मिनेट कर देती है या फिर दूसरी जगह उनका तबादला किया जाता है। 108 और 102 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष दिलीप सिंह ने कहा कि गाड़ियों की हालत भी खस्ता है और कई बार उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।
जो जीवी की कंपनी है उसके खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। जो 5 साल से हमारा यूनियन का जो भी हमारे वर्कर यूनियन जो भी है उनका जो शोषण किया जा रहा है उसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया है और सरकार से ये मांग की है कि जो हमारी जीवी की कंपनी है उसको बर्खास्त किया जाए और जो हमारे वर्कर हैं उनको किस जिला वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत लिया जाए ताकि जो हमारे साथ शोषण हो रहा है जो भी वर्कर के साथ वो उसके वो शोषण बंद ख़त्म हो, इसलिए हमने ये मतलब हड़ताल आज शुरू की हुई है। जो जगह अगर हमारी मांगे आज नहीं मानी जाती है तो ये शायद काफ़ी लंबी जा सकती है और हमारे जो वर्कर है जो भी मतलब लोकेशन पे ड्यूटी करते हैं तो 5-5 दिन कंटिन्यू ड्यूटी करवाई जा रही है और उसका अतिरिक्त वेतन भी नहीं दिया जाता। आपको बता दें कि 108 और 102 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन कुल्लू ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री से मांग की है कि वे इस बारे में तुरंत एक्शन लें, नहीं तो पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। के चैनल के लिए कुल्लू से गौरव ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश 108 और 102 वर्कर यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय मंडी में जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। 108 और 102 में तैनात EMTs ने बताया कि कंपनी उन्हें 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम लेती है जो कि सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि यदि सरकार उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो वर्कर यूनियन अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। प्रमुख मांगे हैं हमारी कुछ कठोर नीति बनाई जाए, नहीं तो मतलब जो है कंपनी हमारा शोषण कर रही है। 36 है जो है 48 घंटे की ड्यूटी मतलब करवा रहे हैं, मतलब इसमें जो है हमारी 8 घंटे की ड्यूटी है जो कि हमसे जो 12 घंटे कराई जा रही है। हम सरकार DC साहब के माध्यम से जो है हम सरकार को जो ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी कुछ नीति बनाई जाए। हम जो है हमने आज धरना प्रदर्शन दिया हुआ है, अगर मतलब हमारी कुछ मांगे ना माने गई तो मतलब इसको हम इस तरह कंटिन्यू रखेंगे। 1 हफ्ते का हम टाइम देते हैं, अगर 1 हफ्ते में कुछ नीति बनती है तो ठीक है, नहीं तो हम 1 हफ्ते बाद दोबारा इस तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे। आज आपने एक ही दिन का ये किया है? 24 घंटे का किया हुआ, डे एंड नाइट किया हुआ है। ठीक है, डे एंड नाइट में कुछ गाड़ी नहीं चलेगी, कल से फिर वापसी हो जाएगी अगर? हाँ जी, कल से वापसी करिए। एक हफ्ते का टाइम देते हैं हम, जो शिमला से ऑर्डर आएगा वही। हाँ, जैसे मतलब शिमला में भी ऑल डिस्ट्रिक्ट में DC ऑफिस के बाद धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो मतलब शिमला से अभी मतलब हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है अकॉर्डिंग टू फिर वही होगा। यहाँ पे धरने पे बैठे हैं ये सारे मेरे साथ काम करते हैं, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट, ऑल मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो 108 की एम्बुलेंस चलती है उस पर हमारे साथ काम करते हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर हम यहाँ पे एक धरना दे रहे हैं। 2 तारीख को हमने यही धरना अपने मुख्यमंत्री साहब को शिमला में दिया था, जिन्होंने हमें बोला था कि अगर आपकी मांगे 2 दिन में पूरी नहीं होती है तो आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर धरना करेंगे। तो हम अपनी मांगों के लेकर ही ये धरना कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा अपने मरीजों को या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट को कोई भी मतलब गलत प्रकार का मैसेज देने का कोई काम नहीं है। हम अपना शांतिपूर्ण एक आंदोलन कर रहे हैं जो कि हमारी मांगों को लेकर है। रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जंगलों में लगी आग के लिए समय रहते नहीं कर पाई सरकार कोई व्यवस्था, प्रदेश सरकार पर पूर्व वन मंत्री रूप सिंह ने लगाए आरोप। जंगलों में लगी आग के लिए बारिश हुई वरदान साबित, साथ ही डलहौजी का मौसम बना सुहावना। नगर परिषद मंडी ने वार्ड नंबर 4 में की साफ सफाई, स्वच्छ भारत मिशन और मेरी लाडली अभियान के तहत लोगों को किया जागरूक। और कुल्लू में मेरी शोभना वीडियो एल्बम का हुआ भी मोचन, कुल्लू संस्कृति को दिया गायक नरेंद्र ठाकुर ने बढ़ावा।